फिल्म शुरू होती है जहां एक लड़का जिसका नाम एलेक्स है वो अपने पेरेंट्स से कहीं ट्रेवल करने की बात कर रहा है। अगले दिन दिखाते हैं एलेक्स और उसके फ्रेंड्स स्कूल ट्रिप के लिए प्लेन से कहीं जा रहे हैं। वहां एलेक्स को कुछ अजीब सा लगता है और किसी अनहोनी का अंदेशा सा होता है। जैसे प्लेन के साइन बोर्ड फ्लिप करते हैं और एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन एलेक्स सब नजरअंदाज कर देता है और प्लेन में चढ़ जाता है। तभी प्लेन में दो लड़कियां आती हैं और वो एलेक्स से अपनी सीट चेंज करने को कहती हैं। एलेक्स मान जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बैठ जाता है। वहां उसकी सीट की फुट ट्रे का नट खुल जाता है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अचानक से प्लेन काफी तेज हिलने लगता है और तभी प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है और लोग बाहर की साइड गिरने लगते हैं। और देखते ही देखते प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन फट जाता है। तभी एलेक्स की आंख खुलती है और उसे पता चलता है वो सपना देख रहा था, लेकिन वो देखता है कि वही दोनों लड़कियां उससे सीट चेंज करने को कहती हैं। एलेक्स उठकर अपने फ्रेंड के पास जाता है और देखता है फ्रंट सीट की फुट ट्रे का नट भी खुला हुआ है, जैसा उसने सपने में देखा था। उसे यकीन हो जाता है कि जो उसने सपने में देखा था वो सच होने वाला है और वो चिल्लाने लगता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। इसी बात पर एलेक्स की उससे क्लासमेट कार्टर से लड़ाई हो जाती है और सिक्योरिटी उनको और उसके कुछ साथियों को प्लेन से नीचे उतार देती है, जिसमें एलेक्स की टीचर भी होती है और उन्हें दोबारा प्लेन बोर्ड नहीं करने दिया जाता। इसी बीच एलेक्स और कार्टर की फिर से लड़ाई हो जाती है और सब यहाँ बहस कर रहे होते हैं कि अचानक से एक धमाका होता है और जिस प्लेन से वो जाने वाले थे वो हवा में ब्लास्ट हो जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज FBI को बुला लेती है। FBI आती है और वो सबसे पूछताछ करती है कि उन्हें कैसे पता प्लेन क्रैश होने वाला था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से सबको छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद सब लोग मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। वहाँ सब लोग एलेक्स को इसका जिम्मेदार मानते हैं, सिवाय उसके फ्रेंड टोड और क्लियर के, जिनको लगता था एलेक्स ने उनकी जान बचाई थी। टोड के पिता टोड को एलेक्स से दोस्ती तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि टोड का भाई भी उसी प्लेन क्रैश में मारा गया था। आगे दिखाते हैं एलेक्स एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ एक उल्लू आता है। उसे भगाने के लिए एलेक्स बुक मारता है और वो एक फैन के अंदर फंस जाती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। उनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास गिरता है जिसमें उसके फ्रेंड टोड का नाम लिखा होता है। एलेक्स तुरंत टोड के घर की ओर निकलता है, लेकिन उससे पहले ही टोड अपने बाथरूम में फिसल जाता है और एक वायर उसके गले में फंस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सबको लगता है टोड ने सुसाइड किया है, लेकिन एलेक्स को यकीन होता है कि टोड ने सुसाइड नहीं किया है। एलेक्स टोड की डेड बॉडी देखने जाता है, जहाँ एक डॉक्टर उसे बताता है कि टोड ने सुसाइड नहीं किया है और मरते दम तक उसने बचने की कोशिश की थी। डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है कि मौत से बचना नामुमकिन है और वो किसी न किसी तरह उन्हें अपने पास बुला लेगी। वहीं एलेक्स को भी लगता है कि मौत उनके साथ खेल खेल रही है और एक एक करके उनको संकेत दे रही है कि कौन कब मरेगा, क्योंकि उन्होंने मौत का पहले वाला प्लान नाकाम कर दिया था। एलेक्स और क्लियर कॉफी पी रहे हैं, तभी शीशे में एलेक्स को एक बस की छाया दिखाई देती है, लेकिन पलटने पर वहाँ कोई बस नहीं होती। तभी वहाँ कार्टर, उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी सभी दोस्त आ जाते हैं। कार्टर फिर से एलेक्स से लड़ने लगता है और ये देखकर कार्टर की गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर जाने ही लगती है कि एक बस आकर उसे कुचल देती है। यह वही बस थी जो एलेक्स ने शीशे में देखी थी। यहाँ एलेक्स को यकीन हो जाता है कि मौत का अपना एक डिजाइन है और वो उसके हिसाब से ही बचे हुए लोगों को मार रही है, और वो उस पर रिसर्च करता है और देखता है कि कौन प्लेन में कहाँ बैठा था। इससे वो पता लगाता है कि किसकी मौत पहले होगी और किसकी मौत बाद में। अगला नंबर उनकी टीचर मिस ल्यूटन का होता है। एलेक्स उनके घर के बाहर जाता है और उसकी टीचर उसे देख लेती है और सोचती है कि वो उसे मारने आया है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आकर एलेक्स को पकड़ लेती है और एलेक्स पुलिस को बताता है कि वो मौत का डिजाइन समझ चुका है और अगली बारी मिस ल्यूटन की है, लेकिन पुलिस उसकी बात का विश्वास नहीं करती है और उसे छोड़ देती है। वहाँ एलेक्स की टीचर घर में वोडका पीती है, लेकिन कप टूटा होने की वजह से वोडका कंप्यूटर पर गिर जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे ब्लास्ट होता है और कांच का एक टुकड़ा टीचर के गले में घुस जाता है और साथ ही वहाँ आग भी लग जाती है।
कपड़ा उठाते हुए एक चाकू उसके पेट में घुस जाता है। एलेक्स भी वहाँ आ जाता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और उसे वहाँ से निकलते हुए उसका फ्रेंड बिली देख लेता है जो यह सब पुलिस को बता देता है। पुलिस एलेक्स को ढूंढने निकलती है और उसकी फ्रेंड क्लियर से पूछताछ करती है। यहाँ क्लियर बचे हुए दोस्त कार्टर और बिली को बुलाती है और उन्हें एलेक्स के पास ले जाती है। एलेक्स सबको मौत का डिजाइन समझाता है। यहाँ कार्टर कहता है कि जब सबको मरना ही है तो क्यों ना अभी मर जाएं और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है। फिर वो गाड़ी को ट्रेन की पटरियों पर खड़ा कर देता है। एलेक्स बिली एंड क्लियर गाड़ी से निकल जाते हैं तभी दूसरी ओर से ट्रेन आ जाती है। कार्टर अभी भी गाड़ी में होता है। बाद में वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन गेट लॉक हो जाते हैं और सीट बेल्ट अटक जाती है। तभी एलेक्स आके उसे बचाता है लेकिन तभी कार का एक टुकड़ा उड़ता हुआ उनके दोस्त बिली की गर्दन उड़ा देता है। यहाँ एलेक्स को पता चलता है कि अगर तुम किसी की जान बचा लेते हो तो मौत अपना डिजाइन चेंज करके नेक्स्ट इंसान के पास चली जाती है। एलेक्स खुद को एक कैबिन में बंद कर लेता है और वहाँ उसे समझ आता है कि प्लेन में क्लियर उससे आगे वाली सीट पर थी, इसलिए अब उसका नहीं बल्कि क्लियर का नंबर है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है लेकिन एलेक्स वहाँ से भाग निकलता है और वो सीधे क्लियर के पास जाता है जहाँ क्लियर गाड़ी में फंसी होती है और एक हैवी इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर होती है। एलेक्स क्लियर को बचाने के लिए वायर को अपने हाथों से उठा देता है और उससे जोरदार करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। यहाँ लगता है कि एलेक्स की भी मौत हो गई है। अगला सीन 6 महीने बाद का होता है। यहाँ एलेक्स कार्टर और क्लियर को दिखाते हैं जिससे पता चलता है उस दिन एलेक्स की जान बच गई थी। तीनों एक शॉप के बाहर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ तीनों को लगता है कि उन्होंने मौत को मात दे दी लेकिन एलेक्स को अभी भी लगता है कि वो पूरी तरह से मौत का डिजाइन समझ नहीं पाया। प्लेन की सीट का नक्शा देखने पर एलेक्स को पता चलता है कि अब उसकी बारी है और वो वहाँ से जाने लगता है। क्लियर को शीशे में एक बस की परछाई दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है। एलेक्स मुड़ता है और तभी वही बस उसके पास से निकल जाती है। बस के टकराने से साइन बोर्ड उस पर गिरने लगता है और कार्टर जंप करके उसको बचा लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें बचा लिया है और अब अगला नंबर किसका है। तभी पीछे से वो साइन बोर्ड फिर से आता है और कार्टर से टकराने ही वाला होता है लेकिन यही मूवी खत्म हो जाती है।